हम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 से और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो आज हम लोग जा रहे हैं गंगनाथ जी के दर्शन करने, जिनकी इस गांव में बहुत छत्र छाया है। हमारे कुमाऊं में जो है गंगनाथ जी की पूजा की जाती है। तो हमारे जो मेरे जो मायके में है गंगनाथ जी, इनकी छत्र छाया मेरे पर बहुत है और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो गंगनाथ जी के मंदिर ज़रूर जाती हूँ, साल में एक बार प्रसाद चढ़ाने। तो आज आपको भी दिखाती हूँ गंगनाथ जी का मंदिर। साथ में आ रहे हैं अक्कू दादी, मम्मी और शिवांश। चल कैमी। तो कैमी जो है हमें रास्ता दिखाएगा। तो कैमी बहुत बहुत समझदार है, इजे ना अच्छा, अकेला नहीं छोड़ता है। हाँ अकेला नहीं छोड़ता, हम जब भी जाएंगे तो जरूर जाएगा हमारे साथ ही। रुक जा, नहीं नहीं घर ही चलो चलो। तो यहाँ से हमें जाना है, जो ऊपर आपको घर दिखाई दे रहा है वो है सीमा दी का घर, यानी कि मेरी जेठानी का। बहुत पहले उस घर में इतनी रौनक थी, मतलब खूब फूल हूल, मतलब बहुत ही अच्छी सेब के बगीचे थे, पर सबकी शादी होती रही, सब बाहर निकलते रहे। अब जो वो घर ऐसे छोटा है, तो उसी के जस्ट बगल में है गंगनाथ जी का मंदिर। तो आज आपको दर्शन कराऊंगी मैं गंगनाथ जी का, गंगनाथ जी के दर्शन कराऊंगी आज आप सभी को। मम्मी आ रही है नीचे से पानी की बोतल लेके, उधर से आ गई नानी। चलो चलो आधे रास्ते में मिलेगी, प्रसाद मत गिराना अक्षत। तो हम लोगों को जरा आने में लेट हो गया, तो आपको को सपने में भगवान जी दिख गए, तो इसलिए आज तो हमने कहा हमने जाना ही जाना है। वैसे भी हर साल मैं आती हूँ तो ज़रूर यहाँ प्रसाद चढ़ा के जाती हूँ। हाँ ऐसे तो था, वहाँ को खराब हो रखा था ना पहले। आ रही नानी, मम्मी आ रही यहाँ से। तो एक घर ये है यहाँ पे, ये लोग भी गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले ये लोग यहाँ से गए हैं। अरे खिड़की खुली छोड़ रखी ने, ये भी सब आए रहते हैं गर्मियों में यार, नाती पोते लड़कियों के बच्चे सब। कैमो चल। तो एक नौला इधर है पानी का, इधर। तो बहुत पहले जो ऊपर के गांव वाले वो यहाँ से पानी भर के ले जाते थे। एक घर दोस्तों ये है, ये है मेरी बड़ी ताई का घर। बहुत पहले यहाँ रहते भी थे वो लोग यार। हाँ रहते थे, रहे ना मम्मी ये लोग यहाँ, यहाँ रहे। तो नीचे से आके हम लोग पहुँच चुके हैं इस चढ़ाई में। ये है सीमा दी का घर। बाबरे कभी इस घर में इतनी रौनक होती थी ना, पूरे फूल ही फूल, खीरे के लगले, गुलाब ही गुलाब खिला रहता था। रेडियो बजाई रहती थी सीमा दी, रेडियो बजाई रहती थी यहाँ सीमा दी। तो यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो किसी ज़माने में इस घर में इतनी रौनक होती थी, मतलब सब लोग यहीं रहते थे। हम भी जब छुट्टियों में आते थे तो इसी घर में रहने आते थे। तो ये देखिए उस टाइम का 2 मंजिला घर था ये, ऊपर वाला। नीचे इधर जो है गाय वाई बांधते थे, इधर रसोई थी, ऊपर 2 कमरे और इधर कहीं इधर था वॉशरूम। तो अब काफ़ी टाइम पहले इस घर को छोड़ दिया गया, तो अब यहाँ पूरा और ये पूरा आंगन हुआ करता था। यहीं पर जस्ट यहाँ पर एक सेब का पेड़ होता था, उसमें इतने अच्छे सेब होते थे। इधर पूरी हल्दी मिर्च, इधर को पूरी खेती की जाती थी, सबसे ज़्यादा सेब ना यहीं होता था। तो अब ये कि यहाँ छोड़ दिया तो सब फिराना हो गया। और यहाँ से घर नीचे, तो दोस्तों वो नीचे से लेके ऊपर तक का जो पूरी ज़मीन है वो हम लोगों की थी, है मतलब ठीक है, लेकिन अब सब लोग बाहर है तो यहाँ कोई रहता नहीं है। इतना सुकून यहाँ पे है, चले गए हैं आगे और मैं थोड़ा वीडियो बनाती रह गई। अब मैं भी इन लोगों के पीछे पीछे निकलूंगी। तो यहीं से थोड़े ही पास में है गंगनाथ जी का मंदिर, जिनके आप सभी को दर्शन कराऊंगी। तो दोस्तों कुमाऊं में जो है गोलजू, गंगनाथ, हरजू, सैमजू, इन सब की बहुत छत्र छाया होती है। तो यहाँ जो भी लोग आते हैं तो यहाँ पूजा पाठ जरूर करते हैं। तो यहाँ का रास्ता थोड़ा टफ है। बच्चों को ले जाना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए जो है हम लोग सोनी की बेटी को नहीं लाए, क्योंकि इतना ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। इस दीवार को पार करके जाना हमने उधर। ये जो इतना खेत है ये सब हमारा ही है,
अगर हम लोग, हमने खेत देखने की वजह से हम यहाँ आए, वरना उधर से शॉर्टकट रास्ता भी है। ओए जा, पहले कब आई तुम? अरे रिंकी की शादी में? हाँ। किसके साथ? तुम्हीं लोगों के साथ आई है, मुझे याद ही नहीं। पहुंच गए हम लोग, चढ़ते चढ़ते जय हो। ताला खोल बेटा। तो हम लोग जो है घर की चाबी लेके आए हैं अपने साथ। इधर का चीटी डालेंगे। इसको देखो ऐसे बैठ जाता है, देखो ऐसे बैठ जाता है आके। आगे गंगा जी के मंदिर में तो औरतें जाती हैं। दिया जला बढ़िया। अब चिपचिपा हो रहा, क्या कर सकते? दिया जला दो, आप किसी को लगता है? आओ राजू, तो बाहर को आगे चिट्ठी लग जाएंगे। आओ आओ यहाँ बैठ जाओ। मेरे बहुत ही चिट्ठी हो रही है, बहुत ही हो रही। मैंने ये प्रसाद खाने वाली हो रही बस। मेरे साथ बाहर था मम्मी, कोई सॉन्ग जैसा नहीं, मैं तो झाड़ देती हूँ। तोड़ तो जरा फिर सॉन्ग बनाओ। चलो बहुत चुनी भगवान जी को नहला धुला दिया हमने। मम्मी वो तो पहन के कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है साक्षात ही बैठे। पाठ करके हम लोग लेके आए खाना, यहाँ बैठ के खाएंगे। भगवान जी गंगनाथ जी के दर्शन, जो भी लोग हल्द्वानी से, आप सब लोग दर्शन कर लें। जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं उनको भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये हमारे घर के इष्ट देवता गंगनाथ जी है। गंगनाथ जी अपना आशीर्वाद सब पे बना के रखना। पूजा पाठ करके जो है हमने ताला लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ जो भी आते हैं नीचे से चाबी लेके आते हैं और यहाँ आके पूजा पाठ करके ताला लगा के चले जाते हैं। हे इष्ट देवता, हम लोग यहाँ बैठ के खाएंगे खाना। खाने में लाए हम चने की सब्जी रोटी। आपको बैठ, यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे बैठना। क्यों, यहाँ नानी के आगे बैठ के कहा? कैसे रखो शिवान? खा बेटा। कैसा हो रहा शिवान? चटपटा ना, ऐसा कर रहा मम्मी। अच्छा सही हो रहे? नमक मिर्च तुम्हारे अनुसार। क्या मैं, तूने भी रोटी खा ली ना? भट जाए से चल। तो हम लोग हर साल आते हैं यहीं पे खाना लेके, यहीं खाते हैं पूजा पाठ करने के बाद। क्यों, आलू लाए थे पिछली बार, पुलाव लाए थे पिछली बार। तो दोस्तों यही नीचे जो है भैरव देव का मंदिर है, यहाँ भी हम लोगों ने पूजा पाठ कर ली है। गंगनाथ जी के साथ साथ भैरव देव की भी यहाँ पूजा की जाती है, खिचड़ी चढ़ाई जाती है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है अच्छे से पूजा पाठ कर ली है, हम लोग जाएंगे घर को। अब खोल के दिखाएगी ये वाला घर अंदर से कैसा है। पहले हम लोग इस घर में बहुत रहे हैं यार। मम्मी तुम रही? मम्मी यहाँ रात काटी तुमने? पहले यहाँ लोगों को रहने को दे रखा था ना, फिर भी अच्छा कर गए थे यार। और ना मम्मी अब ऐसा हो गया घर, पहले कितना आबाद था ये घर यार। इसको ट्रांसफॉर्म करके अच्छा बना सकते हैं। चलो को नीचे को जो धसेगा भी, चल तू तो। ये देख
एक कमरा इधर है, एक वो हट है। लाइट वाइट सब होगी यहाँ पे, खिड़की खिड़की बनाई रही इस जमाने में। यहाँ से पूरा व्यू दिखने वाला हुआ, खिड़की में बैठ के देखते रहो। ये नीचे से आने का रास्ता भी था आपको, देख अंदर ही अंदर सीढ़ियाँ बन सकती थी ना मम्मी। मतलब ये नीचे को जा रहे थे। ओके मम्मी, मम्मी कह रही तुझे यहीं छोड़ जाती हूँ मैं। मम्मी भी खिंच गई। लीसा वो वाले रास्ते से, तो रास्ता ठीक है यार वैसे, जो उधर का रास्ता ना ना, वहां से जो दूसरे रास्ते जाते हैं, ये तो घर का रास्ता है ना, ये रास्ता अच्छा है। हमसे पीछे आया, हमसे पहले पहुंच जाएगा। नहीं नहीं बना था, मतलब ये घर का नहीं, मंदिर का रास्ता जो वहां से है ना, पहाड़ से एक रास्ता। आओ रुके बेटा, आओ रुकते रुकते तो हम कल पहुंचेंगे फिर। यहाँ से हम लोग, तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से दूसरा पनेरा, यानी कि नौला। जो लोग ऊपर रहते हैं, मतलब जो लोग ऊपर के घरों में रहते थे, उनके लिए ये नौला हुआ करता था, तो तभी नौला भी बहुत तेज आता था। हैं कब, ये देखो कैमी कैसे पानी पी रहा है। अब तो बहुत कम हो गया ना मम्मी यहाँ पानी। पहले दोस्तों यहाँ खूब पानी हुआ करता था, क्योंकि ये बाज के पेड़ है, देखिए ऊपर पूरा घना जंगल है। सोने की छड़ी क्या हुआ फिर उसके बाद? छड़ी होती ना है जैसे परी की सोनी, पानी वहीं से तो आता है पानी। अब आज नहीं रहा पानी, अब बंद हो गया। घना बाज का जंगल है यार ये, देखो यार सब बाज ही बाज है यहाँ पर। जब यहाँ इतना बाज होता था ना, तभी तो यहाँ इतना बढ़िया पानी होता था। ये देखो ऊपर नीचे सब बाज ही बाज है, सब उधर और ठंडा देखो यहाँ पे, ठंडा कितना अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों जहाँ बाज का पेड़ होगा वहाँ पे ठंडक होगी। कैमी पी लिया बेटा पानी? हाँ। यहाँ पे जानवरों के लिए लगा रखा, क्योंकि अब तो यहाँ से कोई पानी पीता नहीं है। चलो यहाँ से अंदर भी है घर, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर एक और मंदिर है, यहाँ पूजा के लिए जाना है, तब जाऊँगी। वरना एक टाइम है यहाँ भी इतनी रौनक हुआ करती थी ना, चाहिए देखो पूरा अनार लदा रहता था ऊपर, देखो अनार के पेड़ खूब दाढ़ी। तो ये लोग पानी भर के ले आए, ये है तो ले आए, यहीं पियो। चलो वैसे इतना ज़्यादा लंबा नहीं लगाया ना, मैं कह रही हूँ ना ये भी उनकी कृपा है इजा, जो मतलब ना कुछ भी नहीं लगा रहने में यार, जाने में भी नहीं लगा मेरे को तो ज़्यादा आज। कैमी तो हमसे पहले जाके वापस आ गया, आ गए हम आ गए। स्टेला की मम्मी आ गई, स्टेला के पापा नहीं आए, स्टेला की मम्मी आ गई, स्टेला के पापा नहीं आए, स्टेला की मम्मी। सो गाइस मम्मा मंदिर से आने के बाद ये बना रही है। नानी ने तो बनाया आलू मंडी का खिचवा, अभी खाती हूँ। ये ब्रेड वाली सब्जी देखी तूने? नहीं फर्स्ट टाइम। तो यहाँ बन रहा है आलू मंडी का खिचवा, और साथ में बन रही है हरी सब्जी, अभी रेड वाली जो नाना लेके आए कल वहाँ वाली से। सारे बच्चे सो गए हैं, दोनों ने बचा रखा था पहले खाना, अपनी माँ को सोने दे रहे हैं ना, और दो भाई बहन की लड़ाई है। रात भर नहीं सो रही है, दिन भर नहीं सो रही है। दोस्तों अभी हो गया है बारिश का टाइम, शाम हुई और बारिश शुरू, इतना ठंड हो गया कि यहाँ पे स्वेटर निकालनी पड़ी मेरे को। ठंड स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ एक और पेड़ लगाने। तो यह है बाज का पेड़, जो मैं इसको नीचे खेत में लगाऊंगी, और साथ में मम्मी भी कुछ रोप रही है, बारिश हो रही है, तो मम्मी का मन है कि घोथ लगा दूँ। ये हैं बैंगन के पेड़, नीचे लगे हैं मिर्च के पेड़, और इधर जो है मम्मी ने लौकी का। नहीं तो बोंगी से बिल्कुल नहीं हो रहा आलू, देख ले वहां पर हो रहे हो वाले आलू, ले जाना ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं।
से तो खोते हैं, कैसे खोते हैं वो खुदा। देखा गैस मम्मी कुछ करती नहीं है और भी काम भी काटती है। ये हरा भरा काट देती यार, दीवार भी मजबूत होती है। पानी मिलेगा इधर पेड़ को, बारिश होगी अभी। बादाम तोड़ती रहती है। दोस्तों यहाँ लगे हैं सेब के पेड़, आने वाले कुछ टाइम बाद जो है इनमें सेब हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे एक मेरे भैया हैं राजू भैया, उन्होंने यहाँ मछलियाँ भी पाल रखी थी। अब वो लोग चले गए हैं बाजपुर, क्योंकि बच्चों का स्कूल वगैरह सब वहीं है। तो पहले किसी ज़माने में यहाँ पर उन्होंने इतनी ढेर सारी मछलियाँ पाल रखी थी, और इधर ही था बादाम का पेड़ जहाँ से वो हमें बादाम भी खिलाते थे यार, है ना? याद है तुझे मामा बादाम देते थे। वाओ मिर्च हो रहे हैं आड़ू, लाल वाला मैं खाऊंगा। देख आई मम्मी फूलम कितने बहुत हो रहे हैं ना। नहीं तो पूरे अंधे क्या है वो, जहाँ हमारा को हमें जाना वहीं इस महारानी को आना है। पहले इसने घास खाई है, ये वाली जो इसके लिए बहुत अच्छी है। ये देखो अनार अपने आप चटक है यार, कितने चटक रही है। देखो तुझे यही पे तुम्हारे आगे से देखो, हाँ लाल हो रहा है, दो वो है चलो गिर। इस पेड़ में उन्हें आड़ू थोड़े से मीठे के लिए, मीठे के पापा के लिए तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आड़ू है ये आषाढ़ी आड़ू, यानी कि आषाढ़ के महीने में ही आड़ू पकता है। इस बार तो जो है आड़ू हुए नहीं यहाँ, तो और साल तो खूब आड़ू होता है। इस साल बारिश नहीं हुई तो इसलिए जो है आड़ू भी नहीं हो पाया, तो चार लेके जा सारे। एक मीठी खा लेगी आड़ू ना, पक जाएंगे कुछ टाइम बाद। लो जो पकड़ो आ जा जरा, नीचे गुड़ाई करके अभी इधर गुड़ाई चल रही है। ये है गाय का गोट। अरे गाय जा गोदी पकड़ के रही जा, क्या बात बैठ, चलो चलो बैठा लो जरा देर बैठा दे इसको पका ले दे चल ले जा। हां हां यही की जगह, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से यहाँ ठीक रह रहा है, क्योंकि यहाँ शुद्ध पानी शुद्ध हवा नेचुरल। ये पेड़ जब पूरा नींबू से भर जाता है, खूब ही भरा रहता है नींबू से। पहले ऐसे ही पेड़ यहाँ पर था, इधर यहाँ पर जब वो था ना पनयाड़ी थी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी था एक और था स्टेला, बैठ गई। हमने मालिक पे ही भरोसा है इसको भी। ये खिड़की अंदर था जाए, ये खिड़की दरवाजे ना तुमने देखा तो था वाला घर, मैंने पहले हाँ उसमें था ये। क्या एसी चला था गाड़ी में दोस्तों, उस जमाने का घर ये रहा। देखिए मेरी बुआ का, बहुत ही सुंदर हुआ करता था घर, जैसे नीचे है ऊपर दो मंजिला है, जो थी अंगूर की पेड़ है उसमें काले अंगूर हुआ करते थे उस जमाने के। देखिए मोर पपली का पेड़ और माल्टा नारंगी सबसे ज्यादा यही होती थी, नाशपाती। तो सब लग चुके हैं अपने अपने काम में, कोई पनीरे जा रहा पानी पीने, कोई खेल रहा है, पापा मक्खी भगा रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के करेले काट रही हूँ। वहाँ लीची सही गिर गई, आज बनेगा करेला। दौड़ते इसकी दौड़ते हो चुकी है रात, और मौसम देखिए आप कितना प्यारा हो गया है। बस दो दिन हम लोग और यहाँ हैं, फिर हमें जाना है अपनी गर्म जगह में। तो दो दिन पूरे व्यू का हम लोग मजा ले लेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर हल्द्वानी को।